हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाऊ चंद्रा से। देखिए अभी ना मुझे बहुत एक दो जनों का मैसेज भी आया था कि माँ आप कोलकाता जा रही हैं, वहाँ पे ऐसा हो गया है, ये हो गया है। मैं उसी लिए जा रही हूँ। देखिए एक्चुअली अभी आज की तारीख में रेबीज तो हर घर में है यार। हम किससे किससे अपनी बच्चियों को बचाएंगे, लेकिन हमें कुछ रूल्स खुद भी फॉलो करने पड़ेंगे। उसके पहले मैं एक बात बताऊंगी, कल मैंने ऐसी कुछ तो सुन रही थी, मुंजा ये बरम वरम होता है तो जैसे भूत प्रेत का बात होता है, तो एक मुंजा की बात सुनी थी। वो वाले मुंजा वाली बात है ना कि मुंजा होता कौन है रियल, क्या आप लोगों में बॉम्बे में महाराष्ट्र में मराठी में मुंजा बोला जाता है, हमारे गाँव में बरम बाबा बोले जाते हैं। बरम बाबा और मुंजा का मतलब ये होता है जो कुंवारेपन में मरना, जिनकी शादी वादी नहीं होती है, बचपन में मर जाना, मतलब कुंवारेपन में ना बचपना रहे ना जवानी रहे, 11 से 18 साल के बीच में जो मरते हैं उन्हें मुंजा या बरम बाबा कहते हैं। लेकिन कल मैंने ऐसा सुना था कि उनकी अधूरी इच्छा पूरी होती, उनकी शादी नहीं हो पाती तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, वो जब उन्हें मतलब कहते हैं ना ऐसे टाइम पे मारा जाता है, उनकी मौत की जाती, वो मरते नहीं हो, जब उनकी अचानक मौत हो जाती किसी कारणवश तो वो बरम बन जाते, फिर वो ब्रह्मचारी हो जाते, बरम बन जाते, फिर उन्हें औरतों का छूना पसंद नहीं होता। आप देखिए हमारे गाँव में बरम बाबा है, वहाँ पे औरतें दूर से पानी देती हैं, फिर वो वहाँ के रक्षक बन जाते हैं, जिनकी मौत कम उम्र में होती है, अल्पायु में होती है, जैसे 15, 16, 17 साल में। तो उनकी वजह ये नहीं होती कि उनकी शादी नहीं होती, उल्टा फिर वो कि उनकी शादी नहीं होती तो वो पूजनीय हो जाते हैं, हमारे में बरम बाबा हो जाते हैं, उनसे हम कोई भी काम करा सकते हैं, मेरे पास है ना बरम बाबा। लेकिन एक बात है, वो जिसके पीछे पड़ जाते हैं तो उन्हें कभी औलाद नहीं होने देते। हमारे घर में भी है, हमारे घर में भी हमारे एक दादाजी थे बरम बाबा बन गए, उन्होंने हमारी बुआ में प्रवेश ले लिया था, वो मेरी बुआ को कभी बच्चा नहीं हुआ, वो जिंदगी भर नी संतान ही रही। ऐसे होते हैं। अगर आपके घर में मुंजा है और मुंजा ने किसी को पकड़ा है तो ये बात याद रखिएगा, वो इंसान नी संतान मरेगा, क्योंकि वो खुद ही मतलब ऐसे बाल कम उम्र में मरे हैं, उनकी शादी वादी नहीं हुई थी, तो वो जिनके साथ रहेंगे वो उन्हें भी परिवार का सुख सुविधा नहीं लेने देंगे, वो कभी परिवार का सुख नहीं पा पाएंगे। हाँ, लेकिन एक एक में कभी मुंजा मिल जाए तो करोड़पति भी बना देता है, लोगों को रास्ता भी दिखा देते हैं, हमें दिखाते ना। हमारे गाँव में जब हम जाते हैं तो वही बरम बाबा को पैर पड़ के जाते हैं, डी बाबा को, और जब निकलते हैं तो पैर पड़ के निकलते हैं, बगैर उनका पैर पड़े अगर आप बाहर निकल गए तो ये बात पक्की है कि उनमें इतना पावर होता है कि वो आपको निकलने नहीं देंगे, बहुत पावर होता है उनमें ऐसा। अब दूसरी बात कि मैं कोलकाता जा रही हूँ रेबिस्ट का, अभी देखिए कोलकाता क्या हमारे मुंबई में भी हो गया, अब आए दिन कॉलेजेस में ऐसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हमारी सरकार की गलती नहीं दे सकते हम। और हाँ, सरकार की गलती ये है कि किसी के मरण पे आप लोग 5-10 लाख रुपए की जो भीख फेंकते हो, ये नहीं चाहिए परिवार को। किसी की घर की जवान डॉक्टर बेटी, ये हमारे एक एक घर में डॉक्टर बने हैं, एक एक जन का मैं बताऊँगी, हमारे भी घर में एक एक डॉक्टर है जिनके लोग रिक्शा चला के अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाए और अचानक से कितने आज आगे बढ़े। लेकिन एक एक माँ बाप जब बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं और उनके साथ ऐसा कांड हो जाता है, तो सोचो माँ बाप पे क्या बीतेगा, वो भी जवान बेटी के साथ, वो भी एक नहीं 18 दरिंदों ने उसके साथ ये काम किया, वो भी क्यों दुश्मनी में, क्यों, क्योंकि वो उस हॉस्पिटल की पोल खोल रही थी। तो मैं कोलकाता इसीलिए पहुँच रही हूँ कि वो पूरा हॉस्पिटल बंद होएगा। मैं देखिए मैं दूसरों के जैसी नहीं हूँ, पॉलिटिक्स खेलूँ, जाके उनके परिवार से मिलके उनके जख्मों पे नमक फेरूँ, बिल्कुल नहीं, उससे उल्टी उनकी और बदनामी होगी। विद्या देवी माँ है और माँ काली की बेटी है, मेरी माँ बैठी है वहाँ पे, दक्षिणेश्वरी माँ काली, बुलाया उन्होंने मुझे, तो 18 के 18 परिवार, 18 के 18 जनों ने जिन्होंने उस लड़की के साथ रेप किया, उनका पूरा का पूरा परिवार ख़त्म होगा, ये उनका खत्म, उनका मारण क्रिया करने विद्या देवी नीमतल्ला शमशान पहुँच रही है। वो 18 जन कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन वो 18 के 18 परिवार मरेंगे, और जिस पुलिस वालों ने इस गलत काम में साथ दिया, जिस डॉक्टर ने साथ दिया, सबके सब मरेंगे, सबका मारण होगा। अब तो मैंने कसम खा ली है, अब तो ये जितने रेबिस्ट है, वो जितने नशे के बाजार चला रहे, वो इनको जड़ से ख़त्म करना मेरा काम है। मुझे क्या, मुझे बस एक ताले का काम करना है, मुझे उसके लिए कोई पैसे नहीं चाहिए। माँ होने के नाते मुझे हर काम का धंधा नहीं बनाना है। जहाँ जो रेबिस्ट है जो है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सअप पे नहीं, कमेंट बॉक्स में नाम लिखो, जब मैं ब्लेसिंग करती हूँ, मैं डेली एक ब्लेसिंग डालूँगी, वो ब्लेसिंग में आप नाम डालो खुद ब खुद। अगर सही में सामने वाला रेबिस्ट होगा,
सही में सामने वाले ने आपके घर में लड़कियों को गलत नज़र से देखा होगा तो उस इंसान का खात्मा हो चुका रहेगा, वो आदमी सीधा मारण होगा उसका, बात ख़त्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये काम मैं करूँगी अब, ये काम मेरा है अब, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। लेकिन तो भी कुछ बोलूँगी फॉलो करने के लिए। सरकार और कानून को भी कहूँगी, तीन तीन रात भर तीन तीन चार चार बजे तक बच्चे बाहर घूमते हैं, उन्हें पकड़ो, उन्हें डांटो कि वो ना घूमे। रात रात भर आप लोगों ने आज की तारीख में ये क्या बोलते हैं, आजकल जो आए दिन ऑनलाइन क्या मंगाते हैं, खाना वाना मंगा रहे हैं, वो सब बंद करवाओ। ऑनलाइन कुरियर सर्विस चालू रखी है, वो लोग भी तो रेपिस्ट घर में घुस के रेप करेंगे, वो लोगों का बंद कराओ। बच्चों को बोले, और अपने बच्चों को हमें स्ट्रिक्ट करना है कि कुछ भी हो जाए रात को 12 बजे के पहले बाद घर से नहीं निकलना है। पाबंदी नहीं है ये, पहले की जो रिस्ट्रिक्ट थी ना, वो अच्छी बात थी, सीधी बात है। आज की तारीख में बच्चे सुबह 5 बजे तक जागेंगे और दिन में 2 बजे तक सोएंगे, तो जनरेशन कहाँ चली गई? सूरज उगता है तब बच्चे सोते हैं, सूरज ढलता है तो बच्चे उठते हैं, दिनचर्या का कोई मतलब ही नहीं रह गया। हमें खुद भी अपने आप को बदलना है, हम किस किस राक्षसों से लड़ेंगे, हमें अपनी मर्यादा में रहने। और दूसरी बात है, सीधी बात है, क्या लड़कियाँ पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं? दरिंदे हैं, दरिंदों को हटाना है, लेकिन दरिंदों को हटाने के लिए नशे का बाजार हटाना है। ये गलती क्यों हुई पता है आपको? ये जो लड़की के साथ हरकत हुई क्यों हुई? ये हरकत भी नशे की वजह से ही हुई, ये ड्रग्स का बाज़ार था, वहाँ पे भी नशे का बाज़ार पकड़ा जा रहा था। आपको पता है 99% हॉस्पिटलों में भी यही किया जाता है, मरीजों को सुलाया जाता है, नशे के इंजेक्शन दिए जाते हैं, बिजनेस बढ़ाया जाता है, मरीजों को ज़बरदस्ती बीमार किया जाता है। ये सारी चीज़ों को खात्मा करने के लिए सबसे पहले हमें नशे का बाज़ार ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि इस मुहिम में पूरा देश मेरा साथ दे, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। आप मुझे सिर्फ जगह का नाम लिखे कमेंट बॉक्स में कि ये जगह पे भी, हमारे यहाँ पे इस जगह पे भी ये नाम के आदमी नशा बेचते हैं, बस नाम तो दीजिए। कमेंट बॉक्स में नाम देने में थोड़ी ना मैं बता रही हूँ, कोई एरिया का नाम थोड़ी दो। जैसे अभी हम बता रहे बोरीवली, आप बोलिए माँ बोरीवली में इस जगह पे इस जगह नशे का बाज़ार चल रहा है, बस इतना बता दीजिए, नाम मत बताइए मुझे बंदों का। खुद ब खुद मारण क्रिया हो जाएगा, खुद ब खुद पकड़े जाएंगे, क्योंकि नशे की वजह से ही लोग लड़कियों का रेप हो रहा है। लड़कियों का रेप का कारण सबसे बड़ा ये है, जहाँ नशा बंद होगा वहाँ पे ये चीज़ें होंगी। हाँ, अभी मैंने देखा था ये सब इंस्टाग्राम पे सब लोग डायलॉग मारते हैं, दारू बंद करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पहले खुद का चरित्र तो ठीक करो, दारू बंद करवाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जरा सा सिर्फ पता चल जाता है कि कहीं पे मांस मदिरा बन रहा है, मटन मच्छी की पार्टी चल रही है, तो इंसान सब कुछ भूल के चल देते हैं। पहले खुद का चरित्र तो ठीक करो, बाद में लोगों को डायलॉग मारना, लोगों की आस्था का, लोगों के प्रॉब्लम्स का मजाक मत उड़ाओ, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। वहाँ जाके बैठ के अपना नाम ऊंचा करने के लिए फ़ोटो वोटो खींचा के इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे वीडियो मत डालो, इससे आप उनका नाम नहीं, आप अपना उनके साथ सहानुभूति नहीं दिखा रहे, उल्टा उनकी जो बची कुची इज्जत है ना, उसको चने कुरमुरे के जैसे उछाल रहे हो। करना है तो उन्हें इंसाफ दिलाओ, बड़े बड़े वीडियो डाल के, बड़े बड़े हाई गाने डाल के अपने आप को हीरो नहीं बनाना चाहिए। हीरोगिरी इसमें नहीं है कि हम अपने आप का नाम बढ़ाए, हीरोगिरी इसमें कि हमने उस परिवार के लिए क्या किया। और अभी ये जो कोलकाता में बात हुई है ना कि क्या कर सकते, हो गया तो हो गया, पैसे दे दिए। मैं तो बोलती हूँ कि इंसाफ तो ऐसा होना चाहिए कि जितने 18 के 18 लोगों ने मिलके रेप किया ना, उनके घर की लड़कियों को लाके रखो और काम पे लगाओ कि जब तक इसकी भरपाई है कि बच्चे के बदला बच्चा, तुमने हमारी बेटी को मारा ना, हम तुम्हारी बेटी को मारेंगे नहीं, कि तुम्हारी बेटी को दो इधर, ज़िंदगी भर उस माँ बाप का खर्चा उठाएंगे, उस माँ बाप का संभालेंगे। देंगे क्या अपना बच्चा आप? करेंगे क्या ये काम? बोलो, जब खुद की परछाई पे पैर पड़ेगा तो होगा क्या ये काम? नहीं होगा ना। तो ये अब मैं करूँगी, देखो मैं क्या करती हूँ। अगर आप पूरे समाज से ये गंदगी हटानी, तो सबसे पहले नशे का बाज़ार बंद कराना है, और नशे के बाज़ार को बंद कराने के लिए मारण क्रिया करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लोग नशा बेचते हैं, लेकिन जब खुद की गहरीबान पे पैर पड़ता है, खुद की बेटियाँ बड़ी हो जाती हैं, जब पता चलता है कि अरे यार मैं इतने दिन नशा बेचा, इतने बच्चों को बर्बाद किया, जब पता चलता है कि अरे मैं नशा बेच रहा हूँ, इन्हीं नशेड़िए लड़कों में से कोई ना कोई मेरा दामाद बन जाएगा, तब याद आ जाता है अरे बाप रे मैं कितना बड़ा गलत काम कर रहा था। तब क्या करेंगे लोग? रिक्शा चलाना शुरू कर देते हैं। क्यों? तुम्हारे ही आदमी ने तुम्हारे घर पर नज़र डाल दी ना,
नशा होता ही इतना गंदा है, तो उसको हम ख़त्म करेंगे। ये मुहिम तो विद्या देवी अकेले लड़ेगी और बगैर पैसों के लड़ेगी। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास ताकत है। मैं तालों के काम से ऐसा चमत्कार दिखाऊंगी ना कि देख लेना, अगर ये पॉलिटिक्स वाले जो गेम खेल रहे हैं ना, कुछ लोगों का पॉलिटिक्स करियर ख़त्म करूंगी। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं देखती हूँ वीडियो, तुम लोग किसी की मदद नहीं करते हो, सिर्फ अपना नाम और अपनी फ़ोटो डालने के लिए और बड़े बड़े ढिंगाने गाने डालने के लिए लोगों की इज्जत उतारते हो जाके। हाँ, तुम्हारे घर में बेटियाँ नहीं हैं? मैं बोलती हूँ चलो तुम्हारी बेटी के साथ रेप हो जाओ और फिर डालो, फिर मैं मज़ा देखना चाहती हूँ, फिर डालो। कौन सा डॉन आया, कौन सा भाई आया, कौन सा ये साले जेब में 5 रुपये रखने के औकात नहीं है, दूसरों के भरोसे पैसा भीख मांग मांग के इधर से उधर जाते हो और दूसरों की इज्जत का धज्जियाँ उड़ाते हो, शर्म नहीं आती हो? समाज के नाम पे लोगों का नाम खराब करते हो? तुम जैसे समाजवादियों को ख़त्म करना है अभी मुझे। रुको देखो मैं क्या मज़ा दिखाती हूँ, थूकने का मन करता है मुझे तुम जैसे लोगों पे। मर्द जात नहीं हो तुम लोगों को, तो ना चूड़ियाँ पहना के रोड पे भीख मांगने हो, ताली बजाने को मजबूर करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इतने पैसों की होड़ मची है तो।